आप लोग कांग्रेस विचारधारा से निकल के आए हैं और क्या वापस किसी दूसरी विचारधारा को ज्वाइन करेंगे? अब हमारे नेता धर्मजीत सिंह जी हैं, अब जिस पार्टी में जाएंगे मैं उनके साथ। विचारधारा मेरे विचारधारा मेरे नेता हैं धर्मजीत सिंह जी। अजीत जोगी थे उनकी विचारधारा कांग्रेस की। अब अजीत जोगी जी के जाने के बाद उनकी विचारधारा अब तो गई, और उसके बाद नहीं सुने। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी जी, अजीत जोगी जी थे कांग्रेसी विचारधारा थे, हम उनके साथ में अजीत जोगी के साथ में थे। मेरी विचारधारा मेरे नेता के प्रति श्रद्धा रहता है हमेशा। मैं अजीत जोगी के साथ बहुत श्रद्धा से जुड़ा था उनसे, उनके रहते तक मेरे नेता वही थे। उनके देहांत होने के बाद देवराज सिंह जी मेरे नेता थे, वो कांग्रेस में जाना चाहते थे। मैं इस बात को पहले ही बोलता था, देवराज सिंह जी अगर हाथी छाप में जाएंगे तो हाथी छाप में जाऊंगा। देवराज सिंह जी नहीं रहे मेरे नेता, अब मेरे पास मेरे नेता है धर्मजीत सिंह जी। धर्मजीत सिंह जी चाहे हाथी में चाहे भाजपा में जाए, मैं उनके साथ में रहूंगा। एक सवाल और, जान का खतरा बता रहे हैं, क्या आप लोग सीएम से मदद मांगेंगे अपनी जान बचाने के लिए? मेरे को कोई जान वान का खतरा नहीं है और मैं कोई मदद नहीं मांगूंगा। नेता को खतरा है? हाँ, तो उनको हो सकता है, थोड़ा हमारे नेता को थोड़ा खतरा है, लेकिन मेरे को कोई खतरा नहीं है। मान लीजिए जरूरत पड़ी तो आप लोग भूपेश बघेल से सरकार से नहीं, सरकार हम लोग को सुविधा दी है, 4-4 पीएसओ है और मैं अपने गन के लिए अप्लाई भी किया हूँ, तो मैं सक्षम हूँ, मेरे को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे प्रमोद शर्मा जी, कैमरामैन भगत सिंह परिहार, साथ देव आशीष रायपुर छत्तीसगढ़।